नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ मामले में ताजा जानकारी आई है। मामले में आरोपी सोमरतन आर्य की अग्रिम जमानत पर गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें आरोपी सोमरतन आर्य के जो वकील हैं उन्होंने पैरवी की और कहा कि सोमरतन आर्य आगामी निगम चुनाव में मेयर पद पर चुनाव लड़ने वाले थे। साथ ही आरोपी सोमरतन भाजपा शहर के अध्यक्ष की दौड़ में भी शामिल थे, इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए। इसी के साथ आरोपी के वकील की ओर से अदालत में सामाजिक कार्यों से जुड़ी कई तस्वीरें भी पेश की गई है जज के सामने, लेकिन पॉक्सो की विशेष अदालत ने जमानत पर अपना फैसला शुक्रवार को सुनाने का निर्णय किया है। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से अदालत में कहा गया है कि क्या किसी व्यक्ति को मेयर का चुनाव लड़ने या सामाजिक कार्य करने के आधार पर अपराध करने की छूट दी जा सकती है। पूरे मामले में सोमरतन आर्य के पक्ष की ओर से बेहद हास्यास्पद दलील पेश की जा रही है, जिसके बाद एमपीटीवी इंडिया पूरे मामले में कई सवाल खड़े कर रहा है। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर आप कई स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य या अध्यक्ष होते हैं तो क्या आपको नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने की इजाज़त मिल जाती है? क्या मेयर का चुनाव लड़ने की संभावनाओं के आधार पर ही आप अपराध को अंजाम दे सकते हैं, जबकि मेयर चुनाव की लॉटरी राजस्थान में अभी तक नहीं खुली है, जिसके बाद यह तय होगा कि आखिर मेयर पद के लिए किस कैटेगरी के व्यक्ति को चुनाव लड़ना है। सवाल यह भी उठता है कि क्या सामाजिक कार्यों की आड़ में किसी व्यक्ति को अपराध करने की छूट मिल जाती है। खैर, पूरे प्रकरण में अग्रिम जमानत आरोपी सोमरतन आर्य को मिलती है या नहीं, ये शुक्रवार को ही पता चल पाएगा। आज पॉक्सो वन के यहाँ पर अग्रिम जमानत की याचिका की सुनवाई हुई थी, उसमें अभियुक्त पक्ष की ओर से ये दलील दी गई कि इनका सोमरतन आर्य का 30 साल से राजनीतिक कैरियर है, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और विभिन्न संस्थाओं से जुड़े रहने का इनको कई पदों से नवाजा गया है, उसको देखते हुए इनको अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। परिवादिया और पीड़िता की तरफ से हमारी ओर से ये पक्ष रखा गया कि इस तरह की जघन्य अपराध में अगर अभियुक्त को अग्रिम जमानत दी गई तो समाज में इसका गलत प्रचार होगा और प्रभाव पड़ेगा। जिस तरीके से अभियुक्त ने शाम को 7:30 बजे अकेले मकान में एक नाबालिग बच्ची को बुलाकर उसको प्रलोभन दिया गया और उसके साथ गलत हरकत की गई, ऐसे अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए, तो जज साहब ने कल पर आदेश रखा है। सोमरतन जी आर्य के केस में कल हमने एंटीसिपेटरी अग्रिम जमानत की अर्जी पेश की थी, जो आज सुनवाई पर ली गई। न्यायालय के पास केस डायरी आने के बाद आज इस संबंध में बेल एप्लीकेशन के संबंध में आर्ग्यूमेंट्स हुए। हमारा ये कहना था कि सोमरतन जी पिछले 3 दशक से सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक कैरियर है, वो नगर निगम के डिप्टी मेयर रह चुके हैं और मौजूदा में बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं और कई एनजीओ चलाते हैं और बच्चों के महिलाओं के उत्थान के लिए कई एनजीओ से भी जुड़े हुए हैं और एक बेदाग छवि वाले व्यक्ति हैं। उनका राजनीतिक करियर समाप्त करने के लिए परिवादी के जरिए ये इस तरह की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जो बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। रिपोर्ट के आधार पर वाका 12 तारीख का बताया गया, 12 जून का, और उसके बाद करीब 18 दिन बाद सोच समझ के और पता नहीं किस वजह से 30 तारीख को FIR दर्ज कराई गई है। इस दौरान डिले क्यों हुई, क्यों नहीं दर्ज कराई गई, क्या सोच विचार कर, क्या मैनिपुलेशन करके FIR दर्ज कराई गई है, ये हमारा आर्ग्यूमेंट था और ये सस्पिशियस हो जाती है इतनी डिलेड FIR हो जाने की वजह से। बेल लेना या नहीं लेना ये ऑनरेबल कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। हमने हमारी ओर से ये लिखा है, आर्ग्यू किया कि उनका एक पॉलिटिकल कैरियर है और यदि उनको सीधा अरेस्ट कर लिया जाता है तो उनका जो सामाजिक और पॉलिटिकल कैरियर है वो नष्ट हो जाएगा, जिसकी बाद में किसी भी तरीके से भरपाई नहीं की जा सकती है। जब समस्त रूप से IO इस नतीजे पर पहुंच जाए कि हाँ वाकई ऐसा वाका हुआ है, तो उस समय उनको ट्रायल के दौरान सजा हो सकती है। मात्र अभी बेल ग्रांट किए जाने में कोई न्याय का आनंद नहीं होता है। सर, अगली तारीख कल ऑर्डर के लिए दिए,
कल कोर्ट का ऑर्डर होगा कि एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जाती है अथवा नहीं की जाती। टाइमिंग चल रहा है अभी तो इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, पुलिस के पास है फाइल, इन्वेस्टिगेशन पूरा करके वो कोर्ट में पेश करेगी, उसमें कितना टाइम लगता है ये आईओ जाने।